गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे अभी के टाइम पे। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में यार मैं आपसे बात करूंगा कि क्या डेली रूटीन रहता है एफकेट स्टूडेंट का। तो फाइनली यार मेरे जो माइंड में अभी तीन एग्जाम घूम रहे हैं, पहला CDS, दूसरा एफकेट, तीसरा SSC, तो इन तीनों का एग्जाम मैं देने के लिए एलिजिबल 2023 में मेरा फाइनल ईयर रहेगा, तो उसमें मैं इस एग्जाम को दूंगा और देखूंगा क्या रिजल्ट आता है। और इसका जो एज लिमिट है 25 है, तो उससे पहले पहले मैं दे सकता हूँ, 2-3 अटेम्प्ट है मेरे पास। तो अभी मेरे पास एक ईयर का डिफरेंस है, तो काफी बढ़िया से प्रेप करनी है मेरे को इसकी। और आप सोचोगे कि यार IT का स्टूडेंट हो गई, इन सब चीजों में कैसे पड़ गया, तो यार ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मानता हूँ IT ब्रांच में बहुत कम सरकारी जॉब्स होती हैं, लेकिन अगर आप बीटेक करने के बाद देते हो तो ऑफिसर ग्रेड पे आपकी होती है। तो ये जो हमारा CDS का एग्जाम है, ये हमारा UPSC कंडक्ट करवाती है, तो काफी बढ़िया ऑफिसर ग्रेड का अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अभी। तो मैं उसको काफी बढ़िया से, इसमें तीन ऑप्शन है मेरे पास, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। तो इसमें से मेरा मेन प्रायोरिटी रहेगा वायुसेना, और इसमें बहुत कम सीटें भी होती हैं, तो वायुसेना में यार अलग ही लेवल है उसका। तो नो मैटर इन तीनों में से किसी में भी जाने को मिले, मैं जरूर जाऊंगा बिकॉज ऑफ ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, और इसको पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार। और आप सोचेंगे ये मूड सेट कैसे बन गया, क्योंकि अभी मैं IT मतलब की IT ब्रांच से हूँ, तो काफी कोडिंग वोडिंग पे ध्यान देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी नहीं देता हूँ, बहुत कम मतलब देता हूँ, उस लेवल पे नहीं देता। और अभी जो मेरा माइंडसेट बना हुआ है पूरा गवर्नमेंट जॉब के लिए बन गया है। और अभी आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो यार फाइनली मेरे को कम से कम 10th में मैंने NTSC का एग्जाम दिया था, वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और उसके बाद 12th में भी 2-3 एग्जाम दिए थे मैंने, लेकिन उसमें से JEE मेन जो था मेरा वो क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद JEE एडवांस का मतलब कि सबका यार एक साइंस स्टूडेंट का होता है कि यार मैं भी IIT में जाऊं, ये मतलब कि ऐसे सोच के चलते हैं सारे के सारे, तो हो नहीं पाता यार, बहुत कम बंदों का होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत कम बंदों का होता है, और बाकी बंदे जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो उसमें से मैं भी रह गया था। लेकिन मैंने सोचा था 12th में कि मैं NDA का एग्जाम दूंगा, तो उसके लिए मैंने स्क्रैप के लिए मैंने एक बुक भी खरीदा था येरी। तो उसमें क्या हो गया था यार, मेरा एज लिमिट मार गया था। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ एज दे रखा होता है, तो मेरा मंथ का डिफरेंस रह गया था, तो वो एग्जाम भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ, मतलब कि एलिजिबल नहीं रहा उसमें बैठने के लिए। लेकिन मैं इस बुक से प्रिपेयर करता रहा उसमें, और अभी तो तब से मेरा यार था कि मेरे को यार जाना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ यार वहाँ की लाइफ स्टाइल मेरे को काफी सही लगती है, वहां पर ट्रेनिंग करना, ऊपर से क्लासेस जाना, और वहां पर काफी सारे आपको पनिशमेंट भी मिलते, वो भी देखने में सही लगता है एक तरह से। और SSB राउंड में भी मेरे को भी है कि मैं भी SSB राउंड क्लियर करूं, और कोई सा भी एक ट्रेनिंग स्कूल चूज करूं और वहां पर ट्रेनिंग लूं। तो अभी यार जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं, जो बुक मैं मतलब कि जिस बुक से प्रेप कर रहा हूं अभी, वो है वो यार ये देखो। तो आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, तो वहां पर आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सी बुक लेने गया था, तो यही वाली बुक थी। तो ये वाली बुक का जो यार ऐसे कुछ, तो ये वाली बुक लेने गया था मैं, और इसका यार कोई मैं PDF मतलब कि लिंक डालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कॉमन बुक है, सभी जानते हैं, इसका कोई क्या PDF डालूंगा। जो बंदे इन सब चीजों की तैयारी करते हैं उनको पता ही होगा, उनके पास होगी भी, वो समझ भी रहोगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो इस बुक की यार बात करूं, तो ये जो बुक है वो इसका नेट प्राइस लिखा हुआ है 375। तो मैंने वो बुक वाला जो बुक सेलर था उसने 10% का स्पीड डिस्काउंट दिया था, लेकिन लॉकडाउन चल रहा तो यार थोड़ा बार्गेनिंग करना आना चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि यार इतना तो नहीं हो पाएगा, तो उसने बोला कि चलो यार 320 दे दो। तो 320 में इस बुक को मैं लेके आया हूँ, और काफी सही बुक है यार, मतलब कि इसमें सारा कुछ दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ पर जो एफकेट में आए 3 ईयर के क्वेश्चन वो भी दे रखे हैं, तो काफी सही है। अभी 1 घंटे के लिए मैं जा रहा हूँ इस बुक से पढ़ने के लिए, तो अभी मिलता हूँ मैं आपको पढ़ने के बाद।
तो फाइनली यार अभी टाइम जो हो रहा है वो 5:15 हो गया है, 5:20 हो गया है। तो अभी मेरे को लग रहा थोड़ा सा जाके खा लेना चाहिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय और ब्रेड लेने। और यार दिल्ली में यार काफी ज्यादा बारिश हो रही है, कल से, कल अराउंड रात में ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी सी रुकी थी, फिर जाके 6 बजे से स्टार्ट हुई थी, फिर पूरे दिन बारिश हुई और रात में थोड़ी सी अभी रुकी है, फिर से चालू हो गई बारिश। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग है, इतनी बारिश क्यों हो रही है दिल्ली में। तो अभी चलते हैं ऊपर और बना के लाते हैं। तो भैया जस्ट चाय वाय पीने के बाद अभी जो टाइम हो रहा है वो 8 बज चुका है, और अभी मैं सोच रहा हूँ नहाने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैं 1 हफ्ते से, यानी कि 1-1.5 हफ्ते से मैं अपनी एप्स की वर्कआउट को स्किप कर रहा हूँ या फिर टालते जा रहा हूँ, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं। तो आज मैं बहुत बढ़िया से करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद नहाने जाऊंगा, उसके बाद फिर से स्टडी पे बैठूंगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यार मैं बता देता हूँ कि क्या रॉकेट साइंस होती है एप्स के पीछे, क्यों आपके एप्स विजिबल नहीं होते हैं। उसका सेम सेम रीजन ये होता है कि आप अगर हमेशा कैलोरीज सरप्लस पर रहोगे तो आपके ऐप्स जल्दी विजिबल नहीं होंगे, और जैसा आपने आइडियल, आप आइडियल जिसको मानते हो उसकी तरह आप सोच रहे हो बनाने के लिए, तो यही रीजन होता है आपके ऐप विजिबल नहीं होते हैं। आई रिपीट, कैलरीज डेफिशिएंट में रहोगे तभी जाके आपके ऐप्स विजिबल होंगे, क्योंकि अगर आप डेफिशिएंट, मतलब होता है कि कैलरीज आप इनटेक थोड़ा सा कम कर दो, जिस लेवल पे आप ले रहे हो उससे कम करोगे तो मानता हूँ हर जगह का फैट लॉस होगा, लेकिन आपको कार्डियो करते रहना, कार्डियो करोगे तो आपका फैट जल्दी से लॉस होगा और आपको शेडेड मिलेगा, जो आपका ऐप से शेडेड मिलेगा। इन माई केस अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अभी सैलरी सरप्लस पे चल रहा हूँ, तो मैं चाहकर भी अपने एप्स को शेडेड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ वहां पर जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हो रही है बल्कि वहां पर मिलती जा रही है। तो इसीलिए वहां पर एनर्जी अगर मेरे को लॉस करूंगा या फिर डेफिशिएंट में जाऊंगा कैलरीज, तो वहां पर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको यार एप्स के साथ खेलना है तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन के साथ खेलना आना चाहिए, तभी जाके आप वहां पर एप्स को काफी बढ़िया अचीव कर पाओगे। आप यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा मैं कि कई बंदे एप्स को पाने के चलते में, जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में वो फैट बर्नर का यूज करते हैं। कई सारे सप्लीमेंट और भी होते हैं, लाइक एक फैट बर्नर है जो काफी कॉमन है, काफी ज्यादा बंदे यूज करते हैं। तो फैट बर्नर यार यूज मत क्या करो, वो काफी ज्यादा आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है या फिर उनको हार्मफुल चाहता है। सबसे पहले तो स्टमक को काफी ज्यादा उसकी फंक्शनिंग तेज कर देता है, जिससे कि कई बार देखा गया है कि स्टमक काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसमें यार आपका एसिड भी काफी ज्यादा रिलीज होता है, तो उससे काफी सारी चीजें दिक्कत होती है आपके ऑर्गन्स में। तो आप इन सब चीजों पर मत जाना, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी होता है और आपके ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है यार, तो इन सब चीजों पर मत जाना। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको अपने स्टडी टेबल पे। तो फाइनली यार अभी मेरा एक बज रहा है और 1 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होगी है नेटवर्क लेयरिंग की, तो काफी बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं। तो यार मैं अभी क्लास को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सी क्लास थी, कैसी थी, उसके बाद थोड़ा बात करता हूँ आपसे।
तो फाइनली यार क्लास हमारी खत्म हो चुकी है और मैं सोचा इस व्लॉग को भी एंड कर रहा हूँ, लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ पर मैं यार एक थोड़ा सा बैड न्यूज है मेरे लिए, बिकॉज कि मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो डिसेबल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यार जो एक पिन आता है पिन आईडी, तो यार ड्यूरिंग लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा मेरा डिले हो गया पिन, जो मतलब कि गूगल की या एडिसन्स की तरफ से आता है वो काफी ज्यादा डिले हो गया, और मेरा जो पिन है वो मैंने सबमिट भी नहीं किया। तो यार मेरा जो मोनेटाइजेशन है एक महीने के लिए दोबारा, मेरे 3-4 महीने के लिए मोनेटाइजेशन मोड डिसेबल हो चुका था, हो गया है। और अभी मेरे जो एडिसन्स में काफी तगड़ा रिवेन्यू भी है, तो यार वो एक काफी मतलब कि थोड़ा सा है माइंड में चलता है बात कि यार क्यों डिसेबल हो गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, 2 जैन एक लास्ट डेट है, उसके बाद मेरे पास एक मोड आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन, तो वो वाला मोड से मैं करूंगा। बट कोई एनीवे, आई होप आपको ये व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। वेट, अगर आप अभी इस व्लॉग को देख रहे हो तो यार 100% आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा तभी अभी तक देख रहे हो, और अभी देख रहे हो आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।